नमस्कार दर्शकों, एमएनएस न्यूज नेटवर्क पर आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें, एक जो डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। अरुणाचल प्रदेश में भाजपा की हैट्रिक, सिक्किम में एसकेएम की प्रचंड जीत। वोटों की गिनती को लेकर महाविकास अघाड़ी सतर्क। मूसेवाला की गीत की तरह आएंगी 295 सीट। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अरुणाचल प्रदेश में भाजपा की हैट्रिक, सिक्किम में एसकेएम की प्रचंड जीत। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में लौट गई है। सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी की दूसरी बार सत्ता में वापसी हुई है। रविवार को आए चुनाव परिणामों में दोनों पार्टियों ने विरोधी पार्टियों का बुरी तरह पराजित कर दिया। अरुणाचल में 60 सदस्यीय विधानसभा में 46 सीटों पर भाजपा को जीत मिली। एसकेएम लगातार दूसरी बार सिक्किम में सत्ता में लौटी और उसने 32 सदस्यीय विधानसभा में 31 सीटों पर जीत दर्ज की है। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अरुणाचल प्रदेश में 50 विधानसभा सीट के लिए रविवार सुबह 6 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई मतगणना में जारी है। भाजपा ने 60 सदस्यीय विधानसभा में 10 सीट पहले ही निर्विरोध जीत ली थी। प्रदेश में चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए एक साथ मतदान हुआ था। भाजपा ने 50 सीट में से 36 सीट जीत ली है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू निर्विरोध जीतने वाले 10 उम्मीदवारों में से एक है। भाजपा ने 2019 में 41 सीट पर जीत हासिल की थी। भाजपा के अलावा नेशनल पीपुल्स पार्टी ने 5 सीटें, राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गुट ने 3, पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल ने 2, कांग्रेस ने 1 और 3 निर्दलियों ने 3 सीटें जीती। आई बढ़ते अगली खबर की। वोटों की गिनती को लेकर महाविकास अघाड़ी सतर्क। केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा अंतिम मत प्रतिशत जारी करने में की गई देरी और फिर इसमें 3 से 4% की बढ़ोतरी के कारण मंगलवार यानी 4 जून को होने वाली मतों की गिनती के दिन विरोधी पार्टियां आंखों में तेल डालकर सतर्कता बरतेंगी। मतों की गिनती में गड़बड़ की आशंका विरोधी पार्टियों ने पहले ही व्यक्त की थी। इस कारण प्रत्येक उम्मीदवार का प्रतिनिधि 4 जून को अपनी नजर गिनती पर जमाए रखेगा। यह बात महाविकास अघाड़ी के 3 प्रमुख दलों ने दी। इसी आशंका के मद्देनजर तीनों ही पार्टियों ने अलग अलग स्तरों पर कार्यशाला और प्रशिक्षण का आयोजन किया था। उद्योग गुट ने ली कार्यशाला। मतों की गिनती के दिन किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है, कहां सतर्कता बरतना जरूरी है, कौन कौन से तकनीकी पहलुओं का ध्यान रखना जरूरी है आदि के संबंध में उद्धव गुट द्वारा कार्यशाला में उम्मीदवार के प्रतिनिधि को जानकारी दी गई। साथ ही सभी प्रतिनिधियों को बताया गया कि मतों की गिनती की प्रक्रिया पूर्ण होने तक किस तरह बरती जानी चाहिए। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। मूसेवाला के गीत की तरह आएंगी 295 सीट। कांग्रेस ने एग्जिट पोल को रविवार को फर्जी बताते हुए कहा कि यह चुनावों में धांधली को सही ठहराने के लिए जानबूझकर किया गया प्रयास और इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं का मनोबल कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खेले जा रहे मनोवैज्ञानिक खेल का हिस्सा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पार्टी के सांसदों के साथ बैठक करने के बाद कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से कहा कि इसे एग्जिट पोल नहीं कहा जाता बल्कि इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। यह पूछने पर कि इंडिया गठबंधन को कितनी सीट मिलेंगी, उस पर गांधी ने कहा कि आपने सिद्धू मूसेवाला का 295 गीत सुना है, इसलिए 295 सीट आएंगी। उन्होंने एग्जिट पोल्स को खारिज करते हुए कहा कि यह पोल सच्चाई से कोसों दूर है और जनता का मूड नहीं दर्शाते। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने नई सरकार के 100 दिवसीय एजेंडे की समीक्षा करने के लिए एक लंबा विचार मंथन सत्र आयोजित करने समेत कई बैठकों के लिए भी प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह नौकरशाही को एक संकेत भेजने के लिए दबाव बनाने का तरीका है कि वह सत्ता में लौट रहे हैं।
हम उम्मीद करते हैं कि निष्पक्ष मतगणना की जिम्मेदारी संभालने वाले लोक सेवक दबाव बनाने के इन हथकंडों से डरेंगे नहीं। अब आप हमारे न्यूज़ चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com। वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ TV पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।